This conference will now be recorded. आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं VBA Macros Power Programming की, और इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ VBA में लूप्स की। हमने लूप्स की इंट्रोडक्शन क्लास इससे पहले दिया था और बताया था कि लूप कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम लूप के बारे में और ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे हम अपने इस लूप से। जैसे हम यहाँ पे सब्जेक्ट लेते हैं और कोई भी मैक्रो ले लिया, तो लूप का काम होता है रिपीटेशन करना। जैसे हमने लिख दिया कि 4 आई इक्वल टू चले 1, 2, 6, ये 4 और नेक्स्ट के बीच में जितने भी लाइन ऑफ कोड होंगे उसको रिपीट करेगा। जैसे मैं चाहता हूं कि जितने भी सीट्स है हर सीट्स का जो नेम है वो डेटा 1, 2, 3 से आ जाए, तो उस केस में अब यहाँ पे क्या है कि सीट्स में हम आई देते हैं। जैसे कि मैं लास्ट क्लास में बताया था कि आई का यूज होता है कि आई एक काउंटर होता है, हालांकि एक वेरिएबल है। जैसे कि हम एक्स वाई जेड बीम आर एज इंटीजर लॉन्ग लेते हैं, उसी तरह का एक वेरिएबल है, लेकिन आई के लिए वर्क करता है जो कि काउंट करता है कि आपका कितना बार लूप चल चुका है। अब इसको जानने के लिए मैं इसको एफेट से परफॉर्म करते हैं। देखिए एफेट होता है, या फिर आप इसका ए ऊपर फॉर्मेट में, नहीं फॉर्मेट डिवर्ग में आपका स्टेप इन्फो होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। आप बताता है कि स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ पे i इक्वल टू 1 हुआ, तो 1 यहाँ पे सीट को 1 मिला, तो पहले सीट का नेम डेटा 1 कर दिया। फिर ये दूसरी बार चला तो सीट 2 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे डेटा 2 कर दिया। इसी तरह से इसका हम यूज कर सकते हैं अपने डेटा में। अब याद रखिएगा कि आप जब भी यूज इस आई को यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे 1, 2, 6 है, अब यहाँ पे 6 जरूरी नहीं है कि फिर हो, तो आप डिफरेंट फंक्शन से इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया शीट डॉट काउंट, तो इससे क्या हुआ कि जितनी शीट की काउंट होगी वो उतना बार चलेगा। दूसरा एग्जांपल कि मान लीजिए कि शीट 6 में मैं यहाँ पे कुछ सेल्स लिख देता हूं, मुझे यहाँ पे एक कंडीशन देना है कि जो ग्रेटर देन 50 है उसके सामने इंसेंटिव INC 500 लिखना है हमें। ये चीज मैंने लास्ट लूप की क्लास में ही बताई थी मैंने आपको।
तो ये हमारे पास डेटा है, मैं इसके अंदर ग्रेटर देन 50 वाले के सामने 800 अदरवाइज जीरो करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट आरा स्लैश टू किया ब्रैकेट ओपन क्लोज, मैं यहाँ पे देता हूँ कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2। यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आई को मुझे यूज करना है। तो यहाँ हमारे पास पहला एडिंग सेल्स है, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा एंड है हमारा, तो एंड 15 है तो 15 ना लिखिए, इसको ऑटोमेट करने के लिए क्या करेंगे, रेंज 62,000 डॉट एंड एक्सप्रेस आप, और यहां पे कर देते हैं रो, और फिर यहां पे नेक्स्ट आई। अब मैं यहां पे कंडीशन दूंगा कि इफ रेंज, यहां पे सेल्स भी ले सकता हूं, यहां पे हम रेंज भी, क्योंकि कॉलम नंबर फिक्स है हमारा, इसलिए हमने यहां पे आई लिया कि डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन रेंज बी के साथ हमने आई किया और बोला डॉट वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू 800 एल्स, और एल्स में हमने यहां पे छोड़ देता हूं, यहां पे हमें करना है जीरो, अगर नहीं करूंगा तो ब्लैंक हो जाएगा, इसलिए हमने दे दिया। अब इसको रन करने से आपका है क्लियर है सर। अब इसमें हम बात कर रहे हैं मल्टीपल लूप्स की। जी हाँ, मल्टीपल लूप्स मतलब कि मेरे पास मान लीजिए कि कुछ डेटा है जो कि रो एंड कॉलम दोनों में है। अब मुझे इसको मल्टीपल लूप्स को यूज करना है, कॉपी एंड यहां पे अब यहाँ पे यहां से लेके यहां तक चलेगा, यहां से लेके यहां तक चलेगा। तो हमें क्या करना है कि इस नंबर में जो भी ग्रेटर देन 50 है उसको उठा के एक के नीचे एन के अंदर में लाना है, एन कॉलम के अंदर में, एक के नीचे एक के नीचे। तो हमारे पास रो कितना है, रो हमारे पास 11 है और 11 ही हमारा कॉलम भी है, रो एंड कॉलम दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे हम डबल लूप लगाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट आर 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 देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर आर आर ही क्यों देते हो, ये तो मेरा आर पे उंगली ज्यादा सेट है इसलिए मैं आर आर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे लिखता हूँ फोर आई इक्वल टू चले 1 2 11, तो आई हमारा क्या हो गया, आई हमारा हो गया रो। तो एक बार आई चलेगा तो वापस जे उतना बार चलेगा, फोर जे इक्वल टू चले 1 2 11, क्योंकि दोनों एक ही है इसलिए हमने सेम कर दिया। अब यहां यहां जे होगा, अब यहां पे मेरे पास ए बी सी डी का ऑप्शन नहीं है तो हम सेल्स का ऑप्शन लेंगे। कंडीशन नहीं है कि इफ सेल्स आई हो गया रो और जे हो गया हमारा कॉलम डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन रेंज एन डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू सेल्स I, J dot value, और फिर यहां पे हम एंड इफ का रखेंगे कि एंड इफ। समझे सर? हेलो सर, सेकंड सेकंड समझा नहीं मैं, इफ J इज इक्वल टू, हाँ तो बेसिकली क्या है यहाँ पे देखिए, इफ अभी क्या है, इसमें से जो ग्रेटर देन 50 उसको उठा के रखना है,
तो ये चेक करेगा कि सेल्स आई कॉमा जे, देखिए यहाँ पे आई वन रहेगा तो जे, एक बार आई चलेगा तो जे 11 टाइम चलेगा, तो फर्स्ट जे चला मतलब कि पहली कॉलम, मतलब ये डेटा इस तरह, ये जो है इस तरह चलेगा इस तरह से। चलेगा एक एक करके, तो पहला आई मतलब रो नंबर वन, तो ये दिख रहा है आपको चल रहा है इस तरह से। तो ये चेक करेगा कि हर एक सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है तो उसकी वैल्यू एन कॉलम के अंदर एक के नीचे डालता चला जाए, इसलिए हमने यहां पे लगाया ऑफसेट, समझे? समझ में आया कि नहीं सर? समझा। ना ये तो, चलो ये तो था हमारा, ऐसे ही था एक्चुअली। एक रियल टाइप प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें से एक उस आधा ही हम करेंगे और आधी हम आपको देंगे करने के लिए, रियल टाइम प्रोजेक्ट। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ डेटा बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे मंथ दे दिया और यहाँ पे प्रोडक्ट दे देता हूँ पी वाला। एक छोटा सा डेटा हम पहले बनाते हैं, और इसको कॉपी करके कई सारे शीट्स, हम 5-10 शीट ले लेते हैं, इन शीट्स के ऊपर हम इसको पेस्ट कर देते और फिर इस पे पेस्ट एज ए तो अब यहां पे क्या है कि पहले शीट से लेके पांचवी शीट तक, ठीक है, जितना भी डेटा है सबको एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है, डेटा कुलेट करना है, कॉन्सुलेट या कुलेट जो कह लीजिए। चलिए इसके लिए हम कोड लिखते हैं। यहां पे हम सब्जेक्ट देते हैं, ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पे होगा कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 शीट्स डॉट काउंट -1, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा लास्ट वाला डेटा इसमें पेस्ट ही करना है ना हमको, इसलिए इसको हम लूप से बाहर कर दिए। नेक्स्ट आई सो -1 क्यों किया काउंट? ये सीट का काउंट आएगा तो डेटा को भी काउंट कर लेगा ना सर, तो डेटा पे लूप नहीं चलाना आपको। डेटा को काउंट नहीं करना इसलिए -1 किया। हाँ बाद यहां पे हम जाएंगे कि शीट्स, पहले शीट्स पे जाओ डॉट रेंज A1 पे क्लिक करो और बोलो करेंट रीजन डॉट कॉपी, फिर शीट्स डेटा पे आना है, फिर रेंज A1 नहीं, A65 हजार डॉट एंड सबसे नीचे आना है, एक के नीचे वन वन कॉमा जीरो डॉट पेस्ट स्पेशल, ये हमारा पेस्ट कर दिया, ठीक है।
अब इसको रन करके एक बार देखता हूं, जो कुछ प्रॉब्लम है हम उस प्रॉब्लम को वन बाय वन दूर करेंगे। काम तो कर दिया लेकिन इसमें इसने क्या किया कि हेडिंग भी कॉपी कर दिया। मैं चाहता हूं कि मैं हेडिंग एक बार रख देता हूं, मेरा डेटा का हेडिंग कोई ना करे कॉपी। तो जब हम डेटा को कॉपी करते हैं और जब यहां पे हम पेस्ट करते हैं तो हमारा हेडिंग वाला जो डेटा है ना सर, वही एक्टिवेट होता है। तो मैंने क्या किया, यहां पे कोड डाला एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। हमने बोला कि भाई तुम रो को ही डिलीट मार दो, कॉपी करो और डिलीट मारो। देखिए यहां पे अब एक भी नहीं आ रहा है, ठीक है सर। अब इसमें एक चीज और यह है कि मेरा डेटा सबसे लास्ट पे ही होना चाहिए। कॉलम समझ में आया सर? हाँ अब उसका सॉल्यूशन क्या है? ऑफसेट करेगा एक एक रो नहीं, ऑफसेट नहीं करना होगा सर, हमें यहां पे इफ लगाना होगा। इफ द ठीक रो है इज ब्लैंक, इफ रो ब्लैंक। जी नहीं, हमें यहां पे सीट के ऊपर करना है ना, तो हम यहां पे जो सीट सिलेक्ट होगा यही पे कंडीशन दी है कि इफ एक्टिव सीट कर देता हूं, एक्टिव सीट डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू डेटा। पूरे क्राइटेरिया को हमें रख देना है इसके अंदर। जैसे सीट करेगा भाई, सीट का नेम अगर डेटा नहीं है तभी आगे बढ़ना है, अदरवाइज नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो अब आपका सीट कहीं भी होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, यहाँ पे एक चीज और करना है, माइनस वन हटा देना है। सर वो ऊपर काउंट माइनस वन लिखा वो किसके लिए? माइनस वन इसलिए था कि शुरुआती में हमारे पास सीट सबसे लास्ट में था ना सर, तो आपका सीट का काउंट आता तो सीट का काउंट सिक्स आता, बट आपके पास ओके डेटा तो पांच में है ना, ओके। इसलिए अगर हमने सीट, माइनस किया था। अगर सीट सिक्स होता तो माइनस वन। हाँ ओके अभी अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये किया कि अब माइनस वन हटा दिया और हमने कंडीशन दे दिया कि सीट का नेम डेटा नहीं होना चाहिए। तो अब सीट मेरा कहीं भी रहेगा वो पहले चेक करेगा सीट का नाम डेटा तो नहीं है, अगर डेटा है तो वो जो है कॉपी पेस्ट ही नहीं करेगा, ओके स्किप करेगा, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इस कोड में, इस कोड को ध्यान से देखिए सर, इस कोड के अंदर में आपको एक नई चीज ऐड करनी है। जैसे कि मैं इस मैक्रो को रन करता हूं तो मेरे पास डेटा कॉपी हो जाता है। अब मैं यहां पे देना चाहता हूं शीट्स नेम, ठीक है,
जिस सीट से डेटा कॉपी हुआ है उस सीट का नाम यहाँ पे आना चाहिए, ताकि आगे चल के मुझे अगर अलग अलग सीट में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो मैं आसानी से कर सकूं। ओके इस तरह से तो आपका काम ये रहा इस कोड में मॉडिफिकेशन करना जिससे सीट का नेम आना चाहिए। और साथ ही अभी हमने आपको जो किया है वो अलग अलग शीट्स थे, अगर मान लीजिए फोल्डर में अलग अलग फाइल होते तो आपको इसका कोड पे भी करना, आपको फाइल वगैरह ना हो तो कोई बात नहीं, आपको कल बता दूंगा, लेकिन ये सीट वाला आप करके मुझे अभी भेज सर। प्रॉब्लम समझ में आ गई कि नहीं सर? बोला हेलो। प्रॉब्लम समझ में आ गई कि नहीं सर? हाँ ये पर्सन ठीक है सर, तो इसको करके मुझे भेजिए, मैं हाँ कल आपको अभी शीट फाइल भेज दीजिए मैं। सीट आपको मैं मेल कर दूं, सीट नहीं मैं ओके फाइल हाँ में इसकी कोड मेल कर देता हूँ, तो सीट सेव करना पड़ेगा और सेव करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। क्या है ईमेल आईडी आपकी? जेकब जॉय डैनियल इसकी कोड में कॉपी पेस्ट करके भेज देता हूँ सारा, ठीक है? ओके कल कितने बजे सर? कल वही आपका 9 बजे रखेंगे, 9 से 9 बजे, अभी से 2 घंटा बाद, 1 घंटा बाद।